नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां घर घर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा के विसर्जन से पूर्व शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद घाट पर विसर्जन करने के साथ गणेश महोत्सव सम्पन्न हो गया। गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगते रहे। ढोल नगाड़े के साथ श्रद्धालुओं ने काफी श्रद्धा और उत्साह से प्रतिमा को जलधारा में प्रवाहित किया। भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन से पूर्व शहर के दामोदर कटरा में मुंबई से लाए गए विराजमान गणपति की विसर्जन शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से शहर के बीच से निकाली गई। विसर्जन यात्रा में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। वहीं गौरी शंकर घाट जाकर गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे संग विसर्जन के साथ इनका समापन हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है भक्तगणों ने, आप सुनिए। मैं संजय मराठा। ये मूर्ति दामोदर करने में बैठी थी, 7 दिन से बैठी थी, आज 7वां दिन है, इसका विसर्जन हो रहा है। ये मूर्ति अठवरिया मैदान सब्जी मंडी शंकर जी मूर्ति होते हुए चौक होते हुए पुरानी कोतवाली दलाल घाट होते गौर शंकर घाट पे विसर्जित होगी। ये झांकी सुल्तानपुर से आई हुई है। इस झांकी में शंकर भगवान, कृष्ण, राधा, हनुमान जी और काली माता जी का ये कार्यक्रम है। हर चौराहे पे हर जगह जगह थोड़े थोड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, यही कार्यक्रम हो रहा है। बैंड तो आजमगढ़ का ही है, क्योंकि महाराज का नहीं है। अब मूर्ति बॉम्बे से आई है, लाल बाग के राजा की टू कॉपी मूर्ति बॉम्बे से आई है। ये मूर्ति